के जलाली और बबरकत नाम सलाम और खुदा यसुम से की सलामती आप सब पर हो। इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम की तरफ बढ़ूँ, और मैं इससे पहले ये चाहता हूँ आली जनाब पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर मैविश इमरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खुदा यसु के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से चंद बातों को हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। आज जो हमारा टॉपिक या हमारा मजमून होगा वो होगा खुदा यसु मसीह के सात दावे। इन सात दावों पर आज हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, और इसके बारे में हमें क्या तहरीक देता है, और क्या हमें इस कलाम में से नसीहत मिलती है, इसके बारे में हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। आइए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ एक हवाला देख सकते हैं। यूहन्ना की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 48वीं आयत। एक आयत पर हम गौर करेंगे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यहां पर एक बात के लिए हम जब रुकते हैं तो देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। रोटी के बारे में जिक्र किया गया है, और खुदावंद यसु मसीह ने बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना की अंजील में यह पहला दावा किया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। जब यसु मसीह ने यह कहा है, आपका यसु, मेरा यसु, कुल जहान का यसु जो है वो हमें यहां पर कलाम मुकद्दस में ये फरमाते हैं, और यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो जिंदगी की रोटी है, तो उसने इस बात के लिए दावा किया है। यसु मसीह ने इस बात के बारे में हमें आगाह किया है, और अगर हम आगे चलकर देखते हैं तो फिर खुदा के कलाम में ये बात और भी बताई गई है, जिसके मुतालिक हम और जिक्र कर सकते हैं। अगली आयात में से हम देख सकते हैं खुदा के कलाम में से वहां पर एक और बात बताई गई है। अगर हम आगे देखें तो वहां पर लिखा है, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए। यहां पर हम जिक्र करते हैं, मन को डिफाइन करते हैं, और जिंदगी की रोटी को अगर देखते हैं तो जिंदगी की रोटी यीशु मसीह है। मन जो है वो भी आसमान से बरसाया गया, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदगी की वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, ताकि जो उसे खाएगा वो कभी फिर ना मरेगा। यहां पर इस बात का हम डिफरेंट देख सकते हैं। फिर एक और बात बताई गई है खुदा के कलाम में, जो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जो दावा किया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, तो इसके मुतालिक एक और बात बताई गई है। यीशु मसीह ने ये दावा जब किया है तो उसने इस दावे को पूरा भी किया है। अगर हम इसी तरह आगे बढ़कर देख सके खुदा के कलाम में से, तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को सैर किया, 5000 लोगों को रोटी खिलाई। और यहां पर यह भी हम देख सकते हैं खुदा के कलाम में से कि जैसे ही यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से यह कहा है कि अब इन लोगों को तुम खाना दो, शिगिर्द आगे से जवाब देते हैं, खुदावंद हमारे पास इतनी रोटियां नहीं है कि हम इनको शेयर कर सकें, इनका पेट भर सकें, इनको रुखसत करें ताकि ये मूल लेकर रोटियां आएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने जुबान मुबारक से ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा हक बनता है कि तुम ही इनको खाना दो। फिर यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों में से पूछा कि किसी के पास कुछ है, तो एक ने आगे से जवाब दिया, उसने कहा हाँ हमारे पास कुछ है, कुछ रोटियां और कुछ मछलियां हमारे पास हैं, जिसके मुतालिक जिक्र किया गया है कलाम मुकद्दस में कि 5 रोटियां और 2 मछलियां उनके पास मौजूद थी। और कलाम मुकद्दस फरमाता है यीशु ने कहा कि ये मुझे दे दो। यीशु मसीह को जब यह दी गई तो यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ में लिया और उठाकर बरकत दी। जैसे बरकत दी है तो कलाम फरमाता है कि फिर यीशु मसीह ने वही रोटियों जो टुकड़े भरे हुए थे वो टुकड़े जो हैं उनको दिए गए, और कहा गया कि ये आप इनको क्या करो, बांट दो, तरतीब के साथ बैठा दिया गया। कलाम इसके मुतालिक ये फरमाता है कि वहां पर 5000 मर्द थे, लेकिन हम अगर मूवी को देखें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर औरतें भी थी और वहां पर बच्चे भी थे। लेकिन यीशु मसीह ने, जिसके मुतालिक हम यहां पर देख सकते हैं, उसने जब ये पहला जो दावा किया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, तो उसने वहां पर यह साबित किया। फिर 4000 लोगों को उसने शेयर किया,
फिर कलाम यह भी फरमाता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझको यानी कि इस जहान के लिए जो रोटी आएगी है वो रोटी यीशु मसीह ने अपने आप को तस्वर किया है, अपने बारे में बताया है कि जो रोटी ये खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और यीशु मसीह के दूसरे दावे पर गौर करते हैं कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। यीशु मसीह ने कहा है भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। दूसरा फिर ये दावा है, यीशु मसीह ने क्या फरमाया है जी, यहां पर जिक्र किया गया है कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। इसका रेफरेंस देखना चाहें तो यूहन्ना की अंजील 10वां बाब उसकी 7वीं आयत में यह भी बात आप देख सकते हैं, उसने भेड़ों का दरवाजा कहा। इससे मुराद यहां पर यह हम देख सकते हैं खुदा के कलाम में से कि जब उसने भेड़ों का दरवाजा अपने आप को तसव्वुर किया है तो इसका इसके मुतलक कहना यह है कि जो शख्स यीशु पर ईमान लाएगा वो शख्स निजात पाएगा और उस दरवाजे में से होकर जाना, गुजर कर जाना हमारे लिए ये लाजमी बात है। और फिर यह भी मत्ती की अंजील में लिखा है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को क्या करती हैं, सुनती हैं। उसकी भेड़े जो हैं उसकी आवाज को सुनती हैं और इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को यह कहा है कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। अगर हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं तो तीसरे पॉइंट में एक और खूबसूरत बात लिखी है जो यीशु मसीह ने तीसरा दावा किया है और यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं हूं के लफ्ज को भी आप बाखूबी जानते होंगे कि यीशु मसीह ने अगर मैं हूं का जिक्र किया है तो इसी मुतलक हम मूसा के मुतलक अगर जाने तो मूसा को जब यह कहा गया तो खुदा ने कहा कि जब तू उनको मेरा तारुफ करवाए तो ये बताना मैं हूं सो मैं हूं। और इसलिए यहां पर यह भी बात का जिक्र किया गया है, यीशु ने मैं हूं पर जोर दिया है यूहन्ना की अंजील के अंदर जो जिसकी मैंने सर्च की और मैंने इसके गौरवगौस किया तो कलाम फरमाता है तीसरे पॉइंट पर तीसरे दावे पर यह बात बताई गई है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है, हम देख सकते हैं कि अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है। अच्छे चरवाहे की यह पहचान है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अच्छे चरवाहे की यह पहचान है कि मेरी भेड़े जो है वो मेरी आवाज को सुनती है और इसलिए यहां पर यह बात बताई गई है कि अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने से भी ग्रेज नहीं करता। किसी जगह पर भी कलाम मुकद्दस में यह बात नहीं बताई गई कि किसी चरवाहा ने अपनी भेड़ों की खातर जान दी हो, लेकिन यहां पर हम जिसके मुतलक जिक्र कर सकते हैं और गौरवगौस कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे और बड़ा दावा किया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और वक्त आने पर यह हुआ कि यीशु मसीह नासरी ने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने से भी ग्रेज नहीं किया। अगर यीशु मसीह हमारी खातर जान ना देते तो यकीनी तौर पर हम आज रवा दवा होते, हम तितर बितर होते, लेकिन ऐसा चरवाहा हमारा चरवाहा जो जिसने हमारी खातर सलीब के ऊपर जान देकर इस बात का जहार करा दिया कि वो अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों की देखभाल करनी जानता है। इसी तरीका से हम आगे बढ़ते हुए चौथे पॉइंट पर चलते हैं, यीशु मसीह ने फिर एक और दावा किया है जिस पर हम गौर कर सकते हैं और खुदा के कलाम में से देख सकते हैं कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। एक और दावा किया यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने कहा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यहां पर यह चौथा दावा मेरे और आपके यीशु, मेरे और आपके आका ने यह चौथा दावा किया है और उसने कहा है क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। क्यों यीशु मसीह ने यह कहा, इस बात के लिए यीशु मसीह ने कहा कि उसने इस बात के बारे में अगर दावा किया है, फरमाया है, बताया है तो उसने इस दावे को पूरा भी किया है, क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं तो यहां पर यह जिक्र किया गया है और बताया गया है क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। अगर मैं मर सकता हूं तो फिर मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जो है वो जिंदा भी हो सकता हूं। इसलिए यहां पर इस बात के बारे में जिक्र किया गया है, हम इस पर गौरवगौस कर सकते हैं, कलाम में से देख सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को यह कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यहां पर जिक्र जिसके बारे में किया गया, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो क़यामत भी है, वो जिंदगी भी है। इसलिए वो जिंदगी का फखर वही कर सकता है जो जिंदा है, जो जिंदगी दे सकता है, जो निजात दे सकता है, जो बरकत दे सकता है, वही ये फखर कर सकता है और वही ये दावा कर सकता है। आज हम खुदा के कलाम में से इसी तरीका से बढ़ते हुए आगे देखते हैं तो पांचवें पॉइंट पर हम चलते हैं और पांचवें पॉइंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है
जिनके पास खुदा का कलाम है वो देख सकते हैं खुदा के कलाम में से। हम पांचवें पॉइंट पर जाते हैं, यूहन्ना की अंजील के अंदर ही उसका 14वां बाब और उसकी हम 6ठी आयत पर गौर करते हैं। 6ठी आयत में क्या लिखा है, आइए तलावत करते हैं। खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बात बताई गई है। 6ठी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। क्या क्या कहा गया है जी, राह हक और जिंदगी मैं हूं। यहां पर ये पांचवां हम दावा देख रहे हैं, पांचवें दावे के अंदर इसका जिक्र पाया गया। फिर आगे ये बात बताई गई है, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यहां पर क्या कहा गया है, जब तक हम खुदावन यीशु मसीह को वसीला नहीं ठहराते, यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तब तक हम यहां पर इस बात के लिए देख सकते हैं और गौर कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के कलाम के अंदर यह बात बताई गई है। राह के बारे में अगर हम देखें, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, उसको हम थोड़ा सा खोलते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा, राह भी मैं हूं। पहला लफ्ज यीशु मसीह ने राह का जिक्र किया है, इसलिए राह से मुराद ये है। अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील को देखते हैं तो वहां पर यह बात बताई गई है। यूहन्ना ये कहता है और उसने बताया है, जिसके मुतालिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने ये बात बताई है कि मैं उसके रास्तों को सीधा करने के लिए आया हूं, मैं उसके रास्तों को हमवार करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा का कलाम यहां पर यह बात हमें बताता है कि यीशु मसीह ने इस बात पर भी फख्र किया है और उसने बताया है कि राह मैं हूं। जो उस राह पर चलेगा वो जिंदगी पाएगा, जो उस राह पर चलेगा वो निजात पाएगा, जो उस राह पर चलेगा वो शिफा पाएगा, जो उस राह पर चलेगा वो बरकत पाएगा, जो उस राह पर चलेगा वो इत्मीनान पाएगा, जो उस राह पर चलेगा सलामती के दरवाजे सदा और हमेशा उन्हीं के ऊपर खुले रहेंगे। इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं इस बात पर गौर करते हुए कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है और खुदा के कलाम में क्या लिखा है। फिर आगे बात बताएगी हक, जिसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। हक के बारे में जिक्र किया गया है कि यीशु ने कहा कि राह भी मैं हूं, फिर यीशु ने कहा हक भी मैं हूं। हक से मुराद सच्चाई, सच्चाई जो है, जिसने यीशु मसीह को कबूल किया उसने हमेशा की जिंदगी को कबूल कर लिया, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। तीसरा लफ्ज फिर वही आ गया, जैसे हम बता सकते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो यहां पर भी यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। फिर यीशु मसीह ने आगे चलकर यह भी बात बताई है और बड़ी वजाहत के साथ कहा गया है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बाज का तो हम ये चाहते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करें या ना करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम खुदा के पास जा सकते हैं। लेकिन यहां पर यूहन्ना की अंजील में यह बात वाज़ह तौर पर लिखी है कि मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई भी नहीं जा सकता। इसी तरीका से हम आगे देखते हैं खुदा के कलाम में से 6ठे पॉइंट पर हम गौर करते हैं कि 6ठे पॉइंट में क्या बात बताई गई है। खुदा के कलाम में यू लिखा है, 6ठी बात जो हमारे सामने आती है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 1ली आयत में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यह मेरे और आपके यीशु मसीह का 6ठा दावा है। यीशु मसीह ने 6ठा दावा करते हुए अपने आप को अंगूर का दरख्त कहा है। मेरे भाइयों आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं, मेरी बहनों आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यीशु किसी और दरख्त का भी नाम ले सकता था, यीशु किसी और दरख्त का भी जिक्र कर सकता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अंगूर के दरख्त का क्यों जिक्र किया। इसलिए आप देख सकते हैं अंगूर की बेल के ऊपर हमेशा गुच्छे होते हैं, और यीशु मसीह जो है वो हमेशा इस बात के लिए चाहते हैं ताकि हर एक शख्स उसकी मोहब्बत में बंधा रहे। गुच्छे को आप देख सकते हैं, यगानगत को जाहिर करता है, एके को जाहिर करता है, भाईचारे को जाहिर करता है, कट को जाहिर करता है,
और इसलिए यहां पर ये कलाम मुकद्दस में ये बात वासिया लिखी गई है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। बड़ी साफ बात ये हमारे सामने आती है। और फिर इस बात को हम अगर देखते हैं तो यहां पर इसके बारे में जिक्र किया गया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तो आगे क्या कहा गया है जी, आगे एक और बात भी बताई गई है, और मेरा बाप जो है वो बागबान है। बहुत बड़ी बात कि उस इस जगह पर हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप को इसके दरमियान में लेकर आए, आसमानी बाप को यीशु मसीह ने जाहिर किया। उसने कहा कि अगर दरख्त मैं हूं तो तुम क्या हो, तुम फिर मेरी डालिए हो। इसके बारे में भी अगर हम देखना चाहें तो खुदा के कलाम में से देख सकते हैं। और डालियों का काम क्या है, जिक्र किया गया है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो क्या करता है, काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है, उसे मौका देता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। आगे फिर बात बताई गई है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। यीशु मसीह ने इस बात पर ऐसी फख्र नहीं कर दिया, ऐसी दावा नहीं कर दिया, ऐसी यीशु मसीह ने नहीं कह दिया। ये बहुत बड़ी बात, पावरफुल बात हमारे सामने आती है कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में आगाह करता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालिए हो। डालिए कौन है, डालिए वो है जो फल लाती हैं, डालिए वो है जो उसके शगिर्द हैं, उसके बेटे उसकी बेटियां हैं, उसके मुतलक जिक्र किया गया है। और कलाम फरमाता है कि जो डाली फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है, लेकिन कुछ ऐसी डालियों को मौका दिया जाता है, उनको छांटता है, उनको छांटता है ताकि जो ऐसा फल है जिसको कच्चा फल कहा जा सकता है वो गिर जाए, लेकिन जो कायम रहता है, जो मुझ में कायम रहेगा, मैं फिर उसमें कायम रहूंगा। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है। और हम देख सकते हैं, खुदा के कलाम में से गौर कर सकते हैं और खुदा के कलाम में से आगे बढ़ सकते हैं। और खुदा के कलाम में और कुछ भी यहां पर जिक्र किया गया है, अगर हम आगे चले तो वहां पर ये और बात भी हमारे सामने आती है, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूं। क्या कहा है जी, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालिए हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस बात के लिए जरूरत है ताकि हम उस दरख्त के साथ जुड़े रहें और खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दें। आखिरी पॉइंट, आखिरी बात करना चाहता हूं आपके सामने, यीशु मसीह ने एक सातवां दावा और किया है। और यीशु मसीह ने क्या दावा किया है, यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया का नूर मैं हूं। और आप इस बात से वाकिफ हैं, यीशु मसीह नूर है तो वो कभी भी किसी को अंधेरे में नहीं रहने देगा। और इसलिए यहां पर कलाम मुकद्दस में इस बात का जिक्र किया गया है, यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। और यही फखर, यही दावा हमारे अंदर ट्रांसफर किया गया है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब दुनिया के नूर तुम हो, तुम्हारा काम है कि तुम दुनिया को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाओ, रोशनी में लेकर आओ। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी होगी तो फिर हम लोगों को अंधेरे से निकाल सकेंगे। अगर हमारे अंदर रोशनी नहीं होगी तो फिर हम किसी को अंधेरे से कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी को अंधेरे से फिर नहीं निकाल सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का कलाम हमें इसके बारे में आगाह करता है। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया ताकि खुदावंद यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। और मैं इस बात के लिए आप सबों के सामने यही कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, के खुदा का कलाम क्या फरमाता है, यीशु ने जो भी दावा किया उसने हमेशा उस दावे को पूरा किया है। हमारा भी हक बनता है यीशु को कबूल करें ताकि उस दावे को पूरा कर सके जो हमारे यीशु मसीह ने पूरा किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हजूर में दुआ करते हैं।
इस वक्त मैं खुदावंद की हाजिर में शुक्रगुजारी करता और तारीफ करता हूँ पाक खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। आज उन सात दावों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको बयान किया है पाक खुदा, और ख़ास तौर पर पाक खुदावंद अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फसल के लिए और सिस्टर मेविश इमरान के लिए तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और फजल टीवी की तमाम टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के नाम से सदा इनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाए रखना ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम तेरे हजूर में तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन।